बेहद खूबसूरत चेहरा की मालकिन और बेहद बदनसीबी अभिनेत्री सारिका। सारिका के पिता अपनी पत्नी और सारिका को दोनों को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। पति के घर छोड़ने के बाद सारिका की माँ सारिका को लेकर मुंबई आ गईं और सारिका को फिल्मों में काम दिलवाने लगी। मात्र 5 वर्ष की उम्र में सारिका ने फिल्मों में चाइल्ड एक्टर्स के रूप में काम करना शुरू कर दिया। फिल्म जानकार बताते हैं, इनकी माँ के शौक बड़े थे और वो खुद मेहनत नहीं करना चाहती थी तो मासूम बच्ची का इस्तेमाल करना बेहतर समझा। बच्ची को सुबह सजा धजा कर अलग अलग स्टूडियो लेकर पहुँच जाती थी। बचपन में सारिका के ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। इनकी माँ एक सख्त और लालची महिला थी। बेटी कमा रही थी, माँ उसके पैसों पर ऐश करती रही। बताया जाता है सारिका के कमाए हुए पैसों से उसकी माँ ने मुंबई में 5 फ्लैट खरीदे। उनमें से कोई भी सारिका के नाम पर नहीं था। इनका कमाया हुआ सारा पैसा इनकी माँ रख लेती थी। आखिर माँ के अत्याचारों से तंग आकर सारिका ने बचपन में ही अपना घर छोड़ दिया था। घर से भागकर 6 दिन तक गाड़ी में रहकर दिन गुजारने के बाद सारिका ने फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात कमल हसन से हुई और प्यार में बदल गई और दोनों चेन्नई में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। शादी से पहले सारिका ने एक बेटी श्रुति हसन को जन्म दिया। 16 साल चली इस शादी ने उन्हें 2 बेटियां श्रुति और अक्षरा और बहुत सारी टेंशनें दी। सारिका की एक सहेली की शादी टूट गई थी और सहेली को अपने घर पर रहने की जगह दी। सहेली ने पीठ पीछे छुरा भोंक दिया। कमल हसन सारिका की सहेली से प्यार कर बैठे। सारिका की बदनसीबी ऐसी कि उनकी ही सहेली ने उनके पति को छीन लिया। कमल हसन और सारिका के बीच झगड़े इतने बढ़ गए कि सारिका ने चेन्नई में अपने फ्लैट से छलांग लगा दी। उनके पैर की हड्डी टूट गई और काफी चोटें भी आईं। 3 महीने अस्पताल में पड़ी रही। इसके बाद जब घर लौटी तो आखिर दोनों के बीच तलाक हुआ। दोनों बेटियों ने अमीर पिता के साथ रहने का फैसला किया और सारिका फिर से एक बार अकेली हो गई और बुरी तरीके से टूट गई। लंबे समय से फिल्मों से दूर रहने की वजह से उसके पास ज्यादा बैंक बैलेंस भी नहीं बचा। कुछ दिन बेहद गरीबी में गुजारे क्योंकि सारिका ने बचपन में अपनी माँ के लिए कमाया था और जवानी में अपनी बेटियां और अपने पति पर खर्च कर दिया। सारिका लॉकडाउन वाली स्थिति में 15,000 रुपए महीने की नौकरी करके अपना गुजारा किया। सोचिए, फिल्मों में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक करोड़ों रुपए कमाने वाली एक अदाकारा जिसके पैसे सभी अपनों ने लूटे और बुरे वक्त में किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन सारिका ने हर बार खुद को संभाला और आगे बढ़ती रही। इस अदाकारा की जीवनी देखकर हम दिल से सैल्यूट करते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको सच में अच्छी लगती है तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।